डॉक्टर अमरनाथ सिकरवार हमारे साथ हैं, जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे और दावे हैं जिनके बीच बता रहे हैं, कैसे सबको नाम मिला है। अब तक तुम दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में, अब तुम सकल दिखा रहे हो, तुमने क्या किया है, क्या करेंगे? तो इनका गांव में घुसना ही दूभर हो गया। कतिया किस्म के लोग हैं जो अपने अपने जमीर को होटल में बेचते हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई जनता की है, ये हथकारों की लड़ाई है। असल में हमें आज़ादी नहीं मिली, असल में हमें आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी का बिगुल तो अभी बच चुका है। उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से सत्ता का बनवास झेल रही कांग्रेस को संजीवनी देने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, और आगरा की खेरागढ़ विधानसभा भी हम हैं, वहाँ यहाँ से रामनाथ फौजी को प्रत्याशी बनाया गया है, जनसंपर्क कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लोगों से मिल भी रहे हैं। अब अपना काम करते रहिए, हम बातचीत करते रहेंगे आपसे। रामनाथ फौजी लगातार जनता के बीच जाते हुए जनसंपर्क जुटा रहे हैं। आज ये विधानसभा खेरागढ़ है और हम जानेंगे यहाँ का चुनावी मिजाज। सबसे पहले हमें इस चुनावी चर्चा के बीच रामनाथ सिकरवार मिल गए हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। रामनाथ सिकरवार हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे और दावे हैं जिनके बीच जा रहे हैं, कैसे समर्थन मिल रहा है। रामनाथ जी, कई दिन चुनाव प्रचार करते हुए हो गए आपको, अब क्या आपको रुझान लग रहा है इस बार विधानसभा में आपकी में? रुझान तो अब क्या एकदम एकतरफा हो गया है। जो अन्य लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, इनको गांव में घुसने ही नहीं दे रही जनता। बोले काय क्यों है रे भैया, हम तो रामनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक तुम दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में, अब तुम सकल दिखा रहे हो, तुमने क्या किया है, क्या करेंगे? तो इनका गांव में घुसना ही दूभर हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जब वो आते हैं रामदास सिकरवार जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और इनका गांव में घुसना मुश्किल हो गया कंडीशन। आपको लग रहा है कि आपको पता है कि आगरा की जो पूरी 9 विधानसभा हैं उसमें सिर्फ आप अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के जो सबसे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं इस खेरागढ़ विधानसभा से, क्या मानना है आपका जिनको लेकर जनता आपको इतना प्यार दे रही है? हमने जमीनी लड़ाई लड़ी है, जो वास्तव में लोगों का दर्द है उसी लड़ाई को एक लंबे समय से लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मुझे कई वर्षें हो गई, कई बार जेल लगाया, गुंडा एक्ट मुझ पर लगी, गैंगस्टर मुझ पर लगी, जिले से कई बार 6-6 महीने को बाहर किया गया, गैंगस्टर लगाई, 6 महीने जेल गया। ये कोई और नहीं है, इस देश के अधिकारी और नेताओं ने ऐसा किया है। और मुझ पर ये केस तो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन अगर इस लोगों की भलाई के लिए मुझे चांदी देनी पड़ेगी तो वो दे दूंगा। वर्तमान राजनीति इस देश की ये अच्छी नहीं है, और पूरे देश में एक बदलाव लाना चाहते हैं। घटिया किस्म के लोग हैं जो अपने अपने जमीर को होटल में बेचते हैं, 30-30, 40-40 करोड़ में होटलों में बिकते हैं, और एक वैश्या है वो कोठे में अपने शरीर को बेचती है, और ये अपने जमीर को 5 सितारे होटल में बेचते हैं। तो ये लोग आत्माओं को बेचने वाले लोग, इनको गांव में घुसना दूभर कर दिया जाएगा, ऐसा संदेश मैं पूरे देश में फैलाऊंगा। गांव के लोगों को लामबंद करूंगा कि जो भ्रष्ट हैं, जो कोठों में जा कर के बिकते हैं, इन लोगों को समाज से बहिष्कार किया जाए। वोट तो दूर की बात है, इनको गांव में कहीं स्थान नहीं होगा। ये क्रांति पूरे देश में छेड़ी जाएगी और शुरू होगी खेरागढ़ तहसील से। बताएंगे कि एक सोल्जर क्या होता है, सोल्जर की ट्रेनिंग क्या होती है। ये हिंदुस्तान में इस बिगुल को बजा दिया है। आप देख रहे होंगे 80 साल का बुजुर्ग है, उसको भी आज 20 साल का नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई जनता की है, ये हथकारों की लड़ाई है। असल में हमें आज़ादी नहीं मिली, असल में हमें आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी का बिगुल तो अभी बच चुका है। और एक दिन हम वो लाएंगे यहाँ पर कि हर किसी को एहसास होगा कि असल में आज़ादी तो अब मिली है। आज़ादी अब मिलेगी क्योंकि ये फौजी रहे हैं, और अब नई राजनीति करने का एक दावा यहाँ किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता सभी जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे और दावे हैं, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी जन समर्थन यहाँ इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है खेरागढ़ में, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? खेरागढ़ विधानसभा का प्रत्याशी ऐसा है जो पिछले फौज में से निकलने के बाद 17 साल से क्षेत्र के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उनके हक की आवाज़ को लड़ रहा है, उनके लिए जेल जा रहा है, उनके लिए मुकदमे झेल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो फौज से निकलने के बाद
थाने तहसीलों में जाता था तो उन्हें वहाँ भ्रष्टाचार दिखता था। फौजी आदमी है, इनके यहाँ कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। इन्होंने फिर एक लक्ष्मण सेना बनाई, उसके द्वारा क्षेत्र के तमाम मुद्दों को उठाया, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर। उससे इनसे प्रशासन से तीन नीक जोक हुई। वही 17 साल की ये मेहनत है जो खैरागढ़ विधानसभा में जनता का इतना अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। ये अपार समर्थन आने वाली 10 फरवरी को कांग्रेस के बटन पर, पंजे पर, हाथ पर बटन दबाकर भारी बहुमत से रामनाथ सिकरवार को विजयी बनाने वाली है। खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार चुनाव जीतने जा रहा है। एक चीज बताइए, यहाँ जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, पहले ही विधायक यहाँ से रहे हैं, उन्होंने क्या काम वाम नहीं कराया? जनता में इतना रोष क्यों है इसको? आपने देखा होगा, जब जो बसपा के प्रत्याशी थे तो इन पे तमाम तरीके के इल्जाम लगे। एक हमारे ब्राह्मण समाज का लड़का है, उस पर फिरौती लेने का इल्जाम लगा, राशन माफिया का इल्जाम लगा, लोगों के काम नहीं करे, सड़कें नहीं बनवाए, स्कूल नहीं बनवाए, छात्रों का काम नहीं किया, युवाओं का काम नहीं किया, किसानों का काम नहीं किया। भगवान सिंह कुशवाहा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतले फूंके हैं, उनके खिलाफ पूरे विधानसभा का युवा बिटर है, आक्रोशित है। भगवान सिंह कुशवाहा की जमानत जब तो नहीं है खैरागढ़ विधानसभा के अंदर। टक्कर से मानते हैं विधानसभा में? खैरागढ़ विधानसभा के अंदर रामनाथ सिकरवार से किसी की टक्कर नहीं है। लाखों से ज्यादा वोटों से चुनाव खैरागढ़ विधानसभा में, लाखों से ज्यादा चुनाव जीतने का दावा यहाँ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के उनके द्वारा, यहाँ के उनके समर्थक हैं रामनाथ सिंह सिकरवार के, उनके द्वारा किया जा रहा है। आप बने रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ। खबर एक्सपर्ट की चुनावी हलचल से आपको हम रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी सार्थक पालीवाल के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।